हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी हुंडई ग्रैंड आईटेन 1.2 और आज इस गाड़ी में प्रॉब्लम है, ब्रेक का इशू है। क्यों? गाड़ी के व्हील गर्म हो रहे हैं फ्रंट वाले और रियर से भी थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। ब्रेक सर्विस करूंगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक तरफ का व्हील उतार दिया, दूसरी साइड का भी व्हील उतारना है क्योंकि हमको दोनों साइड से चेक करना है। व्हील को नीचे रखते हैं गाड़ी के पर्पस, सेफ्टी रीजन, कभी काम कर रहे हैं, अगर इन केस कभी कुछ फेलियर होता है तो एक ये भी बचा हुआ रहेगा। ठीक है, ब्रेक कैलिपर बोल्ट निकाल दिया, चेक करनी है जी पिन कितनी हार्ड है, और ये ब्रेक कैलिपर की पिन सीज है, ये वाली। चलो पैड निकाल लेते हैं पहले। पैड की कंडीशन, पैड क्लीन होने का है, बीच में देख रहे हैं ये सब भर गया है, तो ब्रेक पैड साफ होगा। और ये आ गया हमारा दूसरा ब्रेक पैड, ये आया जी। दूसरे वाले की कंडीशन थोड़ी सी ठीक है, इस वाले की ज़्यादा डाउन है। फिलहाल ब्रेक पैड तो साफ हो गई, कैलिपर पिन का थोड़ा सा है, देख रहे हैं पूरी सीज है, ये प्ले नहीं है इसमें। ये आ गई जी दूसरी वाली का भी ग्रीस, मतलब है उस कंडीशन में। ये देखो ऐसे घुमाने से हिल रही है, लेकिन इसको बिल्कुल फ्री मूवमेंट करना चाहिए अप एंड डाउन जी। अब इस तरफ की भी कैलिपर पिन चेक कर ही लेते हैं, जब उस तरफ चीज मिली तो हमको हो सकता है इधर भी कुछ हो। कैलिपर खोलने के लिए सिंपल, एक ये बोल्ट खोलना है 13 mm का, और यहाँ से इस पिस्टन को थोड़ा सा पीछे करना है बस। पीछे हो गया पिस्टन, बोल्ट खुल गया, अब ये सिंपल आ गया बाहर। और ये देखो जी ये वाली पिन भी जाम है, इसको ऐसे घुमाने से घूम रही है जबकि ये फ्री होनी चाहिए। ब्रेक पैड्स की क्या कंडीशन है एक बार देख लेते हैं, ठीक है क्लीन करके काम चल जाएगा, इसका भी क्लीन करके काम चल जाएगा जी। लेकिन कैलिपर पिन दोनों तरफ की सीज है, पहले इसको थोड़ा फ्री करता हूँ तब आएगी बाहर, जबकि इसको बिल्कुल फ्रीली अंदर बाहर जाना चाहिए। ये देखो जी ये निकली कैलिपर। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, कैलिपर के अंदर जो ग्रीस लगी है ना, ये देखो हाई टेम्परेचर ग्रीस नहीं है, ये नॉर्मल ग्रीस लगी हुई है, इसको हम क्लीन करेंगे। ये आ गई दूसरी तरफ की, अब आराम से कैलिपर क्लीन करेंगे, पिन लगाएंगे और फिर लगाते हैं इसको। पहले ब्रेक पैड्स को क्लीन कर लेता हूँ और पूरी पिन को साफ कर लेता हूँ। WD-40 यूज़ करूँगा कैलिपर को साफ करने के लिए, यहाँ पे भी और ये पिन को भी। सिंपल स्क्रू ड्राइवर इंसर्ट करके देख सकते हैं कितना कचरा है, और एक कपड़ा ले सकते हैं, कॉटन का एक कपड़ा ले लूँगा और यहाँ से इंसर्ट करके ये इसको मैं घुमा घुमा के साफ कर लूँगा। ये सेम इसी तरह से यहाँ भी इस तरह से बना के भी यहाँ डाल सकते हैं,
और इस रबर कैप को कपड़े से साफ कर लेंगे। ये एक्चुअल में ये जो रबर कैप है ये एक तरह का बूट है और ये लगा होता है यहाँ, ये प्रोटेक्शन करता है आपका डस्ट से, कोई भी डस्ट वगैरह इसके अंदर ना जाए इसलिए लगा होता है। इसी तरह से सेम ये वाला सिंपल, अब इसको लगा देंगे यहीं पे। इसको चाहे तो बाद में भी लगा सकते हैं, साफ़ हो जाएगी ऐसे ही। इस पर कुछ सैंड पेपर लगाने की ऐसी ज़रूरत दिख नहीं रही मुझे। एक पिन और है हमारी ये कैलिपर में, इसको भी क्लीन करना है हमें। तो अभी कैलिपर पिन, ब्रेक पैड, ये सारी चीज़ें साफ़ कर दी मैंने, अब टाइम है इसको फिट करने का। थोड़ा सा ये जो ग्रीस है इसके अंदर डाल दूंगा, और ये ग्रीस है हाई टेम्परेचर ग्रीस, थोड़ा सा इसके अंदर डाल दूंगा। अब एक काम करेंगे पिन पे लगा के और इसको घुमा देंगे पूरा, ये आ गया, ये देख रहे हो प्रेशर बन रहा है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक, यहाँ पे भी पूरा घुमा देंगे, पर्पस ये है कि ग्रीस अच्छे से पूरे में फैल जाए। बूट फिट कर देंगे, ठीक है जी, एक ये वाला बूट, ये फिक्स। थोड़ा सा ग्रीस इसमें भी लगा दूंगा, सिंपल, व्हील को इधर घुमा के फिट हो गया। इस तरफ की पिन इसमें ऑलरेडी ग्रीस लग चुका है जी, ये, और जैसे प्रेस करते हैं बूट अपने आप फिट हो जाता है। इधर भी बूट फिट हो गया। ब्रेक पैड जहाँ इंडिकेटर लगा होता है ये इंडिकेटर जाता है पीछे की तरफ, और ये विदाउट इंडिकेटर ये आता है हमारा आगे की तरफ। फिक्स, ये वाला बोल्ट ये अब हम कर देंगे जी टाइट, बस सेम प्रोसेस उस तरफ भी करना है। ब्रेक पैड और पिन ऑलरेडी मैंने इधर का साफ करके ले लिया है, ये रखे हैं जी ब्रेक पैड, क्लीन कर दिए, ग्रीस डाल दूंगा थोड़ा इसके अंदर। अब ये जो कैलिपर के साथ लगी हुई पिन है इसको भी मैंने साफ कर लिया था, लगा दिया जी रबर बूट, ये लगा दिया मैंने। एक तरह से ये हैं जी डस्ट कवर, डस्ट को अंदर नहीं जाने देते। बस अब यहाँ इसको इंसर्ट कर देंगे, थोड़ा सा व्हील इधर घुमा देता हूँ, ये आ गया। ब्रेक पैड सेम उसी तरह क्लीन करके रखे मैंने, ये आ गया विदाउट इंडिकेटर बाहर की तरफ, विद इंडिकेटर अंदर की तरफ। बोल्ट इसके साथ ही लगा दिया था मैंने, और अब यहाँ कर दूंगा इसको टाइट, बस परफेक्ट। गाड़ी हमारी हो गई अब डाउन, अब हमको लिफ्ट करने हैं रियर व्हील्स, जैक लगाएंगे रियर साइड। व्हील कैप, व्हील, अब इसके बाद यहाँ जरूरत पड़ेगी WD-40 की थ्रेड में और यहाँ पे। अभी ये पेच खोलना है हमको, ये वाला, इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमको इंपैक्ट रिंच की। छोटा स्क्रू ड्राइवर लगाते हैं बार बार इसके थ्रेड ख़राब कर लेते हैं, इसलिए सही साइज़ का स्क्रू ड्राइवर, और पहले ऐसे कोशिश करेंगे, नहीं खुलता है तो फिर इसका इम्पैक्ट। खुल गया, ये आ गया जी इसका रियर ड्रम बाहर। कचरा बहुत ज़्यादा है, साफ़ करना पड़ेगा। बाकी ब्रेक शू, ब्रेक शू का लेदर अभी पूरा है, अभी ये देख रहे हो ना इतनी इतना बाकी है इसमें, यानी कि लेदर अभी कहीं से कुछ एक्स्ट्रा घिसा नहीं है। ठीक है जी, इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं ब्रश से, ब्रश पेंट वाला, और इससे कर दूंगा इसका डस्ट क्लीन पूरा। चमक गया। अब ये जो ब्रेक शू हैं इस पे थोड़ा सा सैंड पेपर,
सेम इस तरफ भी। एक्चुअल में ऊपर की हमको सिर्फ एक लेयर से हटा देनी है जो ये डस्ट की जमा हो जाती है। अभी देखो चमक गया, ड्रम पे भी, सैंड पेपर। लो जी ड्रम भी क्लीन हो गया। अब एक बार इसका एडजस्टमेंट चेक करेंगे। बिल्कुल फिट है। अभी इससे ज़्यादा एक बार मैं डाउन कर दूंगा तो ये हल्का सा और वो होगा फ्री, लेकिन डाउन करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऐसा कोई जाम भी नहीं है। ये अभी ये बराबर फिटिंग आएगी ना तो ये चली जाएगी। ये देखो ये फिटिंग बराबर हुई, चला गया। ठीक, तो इसको अभी फिट कर देते हैं जी। बस ब्रेक क्लीनिंग हो गई, चेक कर दिए हमने ब्रेक, अब इसको इंस्टॉल कर देंगे। ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ बाकी है व्हील फिट करना। लेकिन अगर आप DIY करते हैं, घर पे काम करते हैं, तो व्हील फिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। व्हील फिट करते समय क्रिस क्रॉस मैनर में इसके बोल्ट को टाइट करना जरूरी है। सारे बोल्ट को एक साथ टाइट नहीं करना है, पहले आमने सामने के बोल्ट धीरे धीरे टाइट करने, फिर एक एक करके सारे बोल्ट टाइट करने होते हैं। और इस पे कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई मैंने, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो जाके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही था। फिलहाल वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मन में कोई सवाल आता हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।